नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं BSTC की सेकंड लिस्ट के बारे में। क्या BSTC की सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिकाउंसलिंग से संबंधित। तो किन विद्यार्थियों को रिकाउंसलिंग करवानी चाहिए और किन को नहीं करवानी चाहिए? अगर आपके 200 प्लस नंबर है तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अबार्ड मूवमेंट से संबंधित। और जिन स्टूडेंटों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गया है वो वापस से काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परीक्षा लोक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सपोर्ट की अभी हमें बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 परीक्षा लोक YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 4 जनवरी 2022 हो चुकी है। आज आपकी रिकाउंसलिंग के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपने रिकाउंसलिंग के फॉर्म अपने नज़दीकी ई मित्र वाले के पास जाकर भर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके संस्थान में प्रवेश के लिए 4 जनवरी 2022 से 11 जनवरी 2022 तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। और 11 जनवरी जो इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अपनी रिकाउंसलिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, 11 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, और अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसकी डेट बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा मानना है कि इसके बाद आपकी कोई भी डेट नहीं बढ़ने वाली है, और इसके बाद ही आपकी सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गया था वो क्या करें, वो काउंसलिंग करवाए या नहीं करवाए। तो दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूँ कि जिनको कॉलेज मिल चुका है वो काउंसलिंग नहीं करवाए, क्योंकि पता नहीं अब कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप काउंसलिंग वापस नहीं करवाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट के बारे में। जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला था और वो सेकंड लिस्ट में अगर अपने कॉलेज से संबंधित कोई भी अपडेट करना चाहते हैं तो आज वो अपने कॉलेज से संबंधित अपडेट कर सकते हैं। वो नए कॉलेज जो ऐड हुए हैं उनको भी फिल कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। और जैसा कि आपको पता है, नए विद्यार्थियों के लिए जो शुल्क राशि है वो 3,000 रुपये हैं। पुराने विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यह केवल नए विद्यार्थियों के लिए शुल्क जारी किया गया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आप कितने नंबर पर काउंसलिंग करवाएं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो और आपके 270 प्लस नंबर हैं तो आप ज़रूर से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें, क्योंकि 3,000 सीटें तो अभी बढ़ा दी गई है और कुछ सीटें जो फर्स्ट लिस्ट के बाद बची थी वो ऐड हो गई है। तो कुल मिला के 3,000 प्लस जो सीटें बची थी वो इसमें ऐड हो गई है, और आपके कॉलेज मिलने के 100% चांस बढ़ गए हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर जरूर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले अगर आपके 270 प्लस नंबर है तो। आप बिना किसी देरी किए हुए कॉलेज प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज थी हमारी इस वीडियो की ये जानकारी। अगर आप किसी भी प्रकार की अपडेट पढ़ाई से संबंधित, कोई रिजल्ट वैकेंसीज वगैरह की पाना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा लोक से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो
तो प्लीज़ सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।